या तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर होना हो 2025 में बिना किसी के गठबंधन के तो चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी न किसी व्यक्ति का गठबंधन उनको करना ही पड़ेगा। क्या गारंटी है कि भविष्य में बिहार में कमल खिलेगा? क्या गारंटी है कि बिहार में सिंगल हैंडेड बीजेपी जीतते आएगी? तो इसलिए वो बीजेपी के किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करके डैमेज करते हैं तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी सीएम की लिस्ट में है। हम जब बचपन में थे तो गांव में हम सिर्फ पुल देखा करते थे, शहर में जब हम आते थे तो देखते थे यहाँ तो बिजली है, तो हम लोग सोचते थे कि गांव में बिजली क्यों नहीं जाएगा। तो वो परिस्थितियाँ बदली हैं नीतीश कुमार ने। सड़कें जो खंडहर हो गई थी बिहार में, केंद्र सरकार की मदद से आज सड़क बना है। जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको भी डर रहता है, गांव में आज भी वो स्थितियां नहीं पहुंची हैं जो पहुंचना चाहिए, जैसे मैं पूर्व में मैंने कहा है। तो वो नीतीश कुमार को अगर बदलना होगा बिहार में तो उन्हें बदलने की बेहद ज़रूरत है। अगर वो नहीं बदलते हैं तो वाकई में जदयू चिंता में आ जाएगी, जदयू लगातार कहा जाता है ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने एक लंबा फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार के विकास के लिए बहुत काम करूंगा, केंद्र में बिहार का आवाज बनूंगा, दलितों की शोषितों की मैं समस्याओं को सुलझाऊंगा। लेकिन 1.5 साल है आपके पास मात्र। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और आप सुबह सवेरे आज अपने फोन पे एक बार फिर से सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और सुबह में आप रात रात का इंतजार कर रहे होंगे। रात रात लेकर मैं अपने सहयोगी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, रत्नेश के साथ। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है। लेकिन चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन जिस खबरों से आपको और बिहार की राजनीति पे जिस खबरों पे असर पड़ेगा उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रत्नेश, पहले ये बताइए कि तेजस्वी को झटके पे झटका लग रहा है, अब एक और झटका लग गया उनको, क्या? देखिए, तेजस्वी यादव को झटका लगना तब से शुरू हो गया जब से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में आ गए हैं। प्रशांत किशोर किसको सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं ये सभी दर्शकों को अच्छे से पता है। प्रशांत किशोर ज़्यादातर टारगेट आरजेडी को करते हैं, ज़्यादातर टारगेट जदयू को करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, भाई देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी एक बिहार की राजनीति में है, तो क्यों ना उसे भी छूता हुआ चला जाए, ताकि ऐसा उनको ना लगे कि भारतीय जनता पार्टी ही इन्हें मतलब सब कुछ फंडिंग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो उनके ऊपर एक तमका लगते आया है कि बीजेपी की एक बी टीम है प्रशांत किशोर, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी पर भी कुछ कुछ हमले कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एग्रेशन जो है प्रशांत किशोर का, वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज, नीतीश कुमार के जो कमियाँ हैं वो उस पर ज़्यादातर फोकस रखते हैं। बीजेपी पर उन्होंने कब कहा है? बीजेपी पर जब जब उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है। बिहार बीजेपी पर कितनी बार उन्होंने टारगेट किया है? क्यों नहीं वो सम्राट चौधरी पे बोल देते हैं? क्यों नहीं वो दिलीप जायसवाल पे बोल देते हैं? क्यों नहीं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर, वो नरेंद्र मोदी पे क्यों नहीं बोलते? नरेंद्र मोदी पे बोलते हैं, ये वही तो मैंने कहा आपको कि नरेंद्र मोदी को वो टारगेट करते हैं, अमित शाह को, बिहार बीजेपी को नहीं छूते हैं। क्योंकि बिहार बीजेपी को अगर वो छू देंगे तो बीजेपी हो सकता है कि उनके साथ आने वाले 2025 के चुनाव में कुछ गड़बड़ हो जाए। देखिए, हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत करने के बाद या तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर होना हो 2025 में बिना किसी के गठबंधन के तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, किसी न किसी व्यक्ति का गठबंधन उनको करना ही पड़ेगा। और जब तक वो गठबंधन नहीं करेंगे 243 उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 243 पे नहीं लड़े, सिंगल हैंडेड ऐसी पार्टी कैसे प्रशांत किशोर की है कि 243 पर आप लड़ जाइएगा? तो ये एक मुख्य सवाल है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे ज़्यादा टारगेट आरजेडी को किया, और आरजेडी पर क्या किया है उन्होंने, एक एक करके उनके जो बड़े बड़े नेता हैं या एक तरीके से कहा जाए कि फ्यूज बल्ब कहा जा सकता है उनको, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो व्यक्तियों को अगर उठाकर अपने जनसुराज के मुहिम में शामिल कर दे या पार्टी में शामिल कर दे तो शायद हमारा और बढ़ जाएगा। लेकिन जितने लोगों को उन्होंने शामिल कराया अपने में, या तो वो राजनीतिक बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, राजनीतिक सीखने की उनकी लालसा है, या फिर वो पुराने नेता हो चुके हैं, बिहार की राजनीति से बहुत मतलब बहुत पीछे वो चले जा चुके हैं, वैसे लोगों को उन्होंने इंटर कराया है। कल ही क्या किया, कल आप भी गई थी कार्यक्रम में, देवेंद्र प्रसाद यादव जो पूर्व के सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं बिहार, जदयू में, बिल्कुल जदयू में रहे हैं, राजद में रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर
इनके ज्वाइनिंग पर तो नॉर्मल ज्वाइनिंग आप करवा सकते थे ना, नॉर्मल ज्वाइनिंग आप अपने पार्टी कार्यालय में आप करा सकते थे जैसे बाकी लोगों का आपने कराया, इनको बापू सभागार में अपने ज्वाइनिंग कराया, ज्ञान भवन में ज्वाइनिंग कराया, देवेंद्र प्रसाद यादव, यादव एक टाइटल इसमें लग जाता है तो सब लोग को लगता है कि आरजेडी में से नमारी उन्होंने कर दिया है। आरजेडी से तो कई लोग निकले हैं, ना सिर्फ आरजेडी से बल्कि बीजेपी से भी कई लोग जनसुराज में आज शामिल हैं, बीजेपी के अलावा जदयू के लोग कई लोग आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा टारगेट अगर किसी को कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव को, वो भी जानते हैं कि बिहार बीजेपी क्या करेगी, किसी न किसी के साथ गठबंधन करेगी। तभी मान लीजिए कि प्रशांत किशोर के साथ, चलिए मान लेते हैं कि प्रशांत किशोर भी टीम नहीं है उनकी, तो प्रशांत किशोर को भी पता है कि बीजेपी आज तक, अभी तक जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक अपना कोई सीएम फेस अभी तक नहीं लाई, क्या गारंटी है कि भविष्य में बिहार में कमल खिलेगा, क्या गारंटी है कि बिहार में सिंगल हैंडेड बीजेपी जीतते आएगी। तो इसलिए वो बीजेपी के किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करके डैमेज करते हैं तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी सीएम की लिस्ट में है, बीजेपी जदयू के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो सीएम की लिस्ट में हैं, इस वजह से वो जानबूझ के उन लोगों पर टारगेट करते हैं कि इनको टारगेट करेंगे तो सीएम का रास्ता साफ होगा। प्रशांत किशोर को भी सीएम बनना है, प्रशांत किशोर भी ये चाहते हैं कि हम सीएम बने, तो इस वजह से प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा तगड़ा झटका अगर किसी को देते हैं तो वो राजद को देते हैं। और इस वजह से आपने देखा कल देवेंद्र प्रसाद यादव आए हैं, परसों कोई और आएगा, आज कोई और ज्वाइन करेगा, ये लिस्ट लंबी है। और तेजस्वी यादव भी, उनको भी संभलना चाहिए, उनके जो अलग अलग जिले के, प्रशांत किशोर ने क्या किया अलग अलग जिलों में जा कर के, जो उनके बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो एक कोर वोट बैंक आरजेडी का है उसमें उन्होंने सेंधमारी कर दी है, और उसमें सेंधमारी के दौरान उन्हें आरजेडी के कई नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा दिया। पहले मुस्लिम वोटर्स पे और अब यादव पे भी MY समीकरण पूरा वो लेना, वो MY समीकरण को समेट लेना चाहते हैं अपने आप में, और इससे भय होना चाहिए थोड़ा सा तेजस्वी यादव को, डरना चाहिए, और इस वजह से डर है भी, मुझे लगता है कि डर है भी, और इस वजह से आप देखेंगे कि लेटर निकालना पड़ता है प्रदेश अध्यक्ष को कि भाई मत जाइए आप, समाजवादी नेता नहीं है वो प्रशांत किशोर पांडे हैं, समाजवाद के वो मतलब समाजवाद उनके अंदर नहीं भरा है, ब्राह्मणवाद भरा है उनके अंदर में, तो वो ये दर्शाना चाहते हैं। और इस वजह से आपने देखा होगा कि वो एक एक करके सेंधमारी कर रहे हैं, और सेंधमारी करने के साथ वो आरजेडी को डैमेज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चलिए रत्नेश, ये तो आरजेडी की बात हो गई, जदयू में क्या हो रहा है? विजय चौधरी जिस तरीके से पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और नीतीश बचा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए विजय चौधरी पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, विजय चौधरी की वजह से लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जदयू, देखिए ऐसा नहीं है कि जदयू पार्टी टूट रही है, हमने आपको लगातार इस खबर पर विश्लेषण किया है कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को शीर्ष पर ले जाना है, यानी कि नंबर वन की पार्टी नीतीश कुमार को बनाना है, और वो नीतीश कुमार की पार्टी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि नीतीश लोकसभा में ख़त्म हो जाएंगे, नीतीश कुमार के कोई भी सांसद नहीं जीतेंगे लोकसभा में, नीतीश कुमार की पार्टी लगभग ख़त्म है, क्या क्या नहीं कहा गया था उनके बारे में, बीमारी के बारे में कही जा रही थी, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं नीतीश कुमार की बोली बदल रही है, जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार को खाने में कुछ मिलाकर दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी दिमागी हालत ख़राब हो रही है, बहुत सारे आरोप लगे थे। और इन आरोपों को आप देखिएगा, नीतीश कुमार एक बार गए, उन्होंने डॉक्टरी सलाह लिया, और जिस अंदाज में नीतीश कुमार लौटे हैं वो एक अलग अंदाज है। 2024 में यही नीतीश कुमार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पार्टी समाप्त हो जाएगी, 12 सांसद जिता दिए इन्होंने, और सबसे ज्यादा 12 सांसद बीजेपी से आगे हैं विधानसभा में, उसी लाइन पे मैं आ रहा था कि विधानसभा में भाजपा से वो आगे चल रहे हैं, तो ये किसका कमाल है? नीतीश कुमार के वो 10 सालों का वो पिछला रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, उन्होंने कितना बड़ा बदलाव किया बिहार में। आज गांव-गांव में बिजली है, हम जब बचपन में थे तो गांव में हम सिर्फ पोल देखा करते थे, शहर में जब हम आते थे तो देखते थे यहाँ तो बिजली है, तो हम लोग सोचते थे कि गांव में बिजली क्यों नहीं जाएगा, तो वो परिस्थितियाँ बदली हैं नीतीश कुमार ने। सड़कें जो खंडहर हो गई थी बिहार में, केंद्र सरकार की मदद से आज सड़क बना है ना, स्टेट हाईवे बन गया, नेशनल हाईवे बन गया है, आज सभी जगह जिलों की दूरियाँ कम हो रही हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ गांव में अभी परिस्थितियाँ बिल्कुल बदली नहीं है, अपराध भी बढ़े हुए हैं। क्या है बताते हैं आपको, अपराध बढ़ने का रीज़न भी बहुत सारा, मतलब ये है,
अब मान के चलिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार को लगता है कि गृह विभाग हमारे पास है, विधि व्यवस्था हमारे पास है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जो 10 साल पहले नीतीश कुमार के कंट्रोल में था आज वो कंट्रोल में नहीं है। आज तमाम प्रशासनिक विभाग जो है वो मतलब क्या कहें एकदम रिलैक्स मोड में हो चुके हैं। डीजीपी कोई बढ़िया नहीं देते नीतीश कुमार, शुरुआत के दिनों के रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें नीतीश कुमार के, तो यही एक बड़ी उपलब्धि थी नीतीश कुमार की कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत काम किया, जंगल राज जैसे तमकों को खत्म किया बिहार से। आज क्या है, वैसे कड़क मिजाज के डीजीपी नहीं आते हैं, डीजीपी को सिर्फ नाम के लिए रखा जाता है, थानों की स्थिति वही है, आप जाइए बालू माफियाओं की स्थिति वही पड़ी हुई है, शराब माफिया भी वैसे हैं, थाने में आप जाइएगा तो बिना घूस के काम होता नहीं, ये आंखों देखी सब कुछ है, आंखों देखी सब कुछ है, ये किसी से छुपा नहीं है बिहार में। तो इस वजह से ये काम अगर नीतीश कुमार ने कर दिया तो आज नीतीश का कद फिर से वो 5 साल पहले या 10 साल पहले वाली स्थितियां हो जाएंगी जो नीतीश कुमार पहले थे। सबसे ज्यादा अगर नीतीश कुमार को किसी चीज पर बिहार में अगर काम करना है, अगर वाकई में बिहार को बदलना है, ये सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, भाजपा भी अगर चाहती है कि अपना सरकार बिहार में हमला है, तो सबसे ज्यादा क्या करना होगा बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल कर लीजिए। यही लॉ एंड ऑर्डर जिसके बारे में आप तेजस्वी पर हमला करते थे, आज देखिए तेजस्वी रोज बुलेटिन जारी करते हैं, और ये मतलब ये भले भारतीय जनता पार्टी ये बहाना मार दे, उनके ऊपर डाल दे कि ये राजद के पोषित लोग हैं, ये राजद के द्वारा प्रेजेंट किए गए लोग हैं, सत्ता में थे तब के लोग हैं, तब के, अरे तो भाई वो जब सत्ता में थे तब के थे, अब तो आप हैं, अब तो एनडीए गठबंधन की सरकार है, यही विजय सिन्हा थे, यही सम्राट चौधरी थे। मुझे याद है कि इन्होंने मंच पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर ही जाकर कहा था कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। अब क्या हो रहा है सम्राट चौधरी जी, अब क्या हो रहा है विजय सिन्हा जी, अब तो अपराधी को अब ये कहते हैं कि मतलब अपराध हो गया तो उसके 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ में आ जाते हैं, तो ऐसा तो अरे भाई अपराध तो हो गया ना, लोगों के मन में डर तो बढ़ गया बैठ गया ना। अब बताइए बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं की ये लोग बहाली किए हैं, ये मुद्दा उठाना बेहद ज़रूरी है। कई जगहों पर शिक्षक डरे सहमे रहते हैं, कई जगहों पर जो परिस्थितियां हैं उन जगहों की उसे काफ़ी सहमित लोग रहते हैं। इसके अलावा जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको भी डर रहता है, गाँव में आज भी वो स्थितियां नहीं पहुंची हैं जो पहुंचना चाहिए, जैसे मैं पूर्व में मैंने कहा है। तो वो नीतीश कुमार को अगर बदलना होगा बिहार में तो उन्हें बदलने की बेहद ज़रूरत है, अगर वो नहीं बदलते हैं तो वाकई में जदयू चिंता में आ जाएगी, जदयू लगातार कहा जाता है ख़त्म हो जाएगी। ये तो बिहार में क्या है कि जो जाति है, जातीय समीकरण देखा जाता है, उस समीकरण के आधार पर बिहार में सरकार बन जाती है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो 10 साल वाली स्थिति अब बिहार में नहीं है, अब वो खत्म हो चुका है, उस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। और नीतीश कुमार की सब लोग अपने अपने पार्टी बचाने में लगे हैं, नीतीश कुमार का क्या है, ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन लोटस कर लेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार के सांसदों पर बीजेपी की निगाहें हैं, ललन सिंह के माध्यम से तोड़ कर आएगी, अब नीतीश कुमार इसे भांप गए। भापने के बाद उन्होंने क्या किया कि पूरे कमेटी को भंग करके एक नई कमेटी बना दी और उसमें ललन सिंह को आउट कर दिया। ललन सिंह के आउट करने की वजह भी यही है कि ऐसा लगता है नीतीश कुमार को कि कोई बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है, ऐसा कोई जिम्मेदारी ना दे दे जिससे उनका ऑरा और बढ़े और वो कुछ खेल कर दे। इस वजह से नीतीश कुमार ने सोचा कि चलिए ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बन ही गए हैं, सांसद बन ही गए, अब क्या चाहिए, सलाहकार समिति से भी उनको आउट कर दिया। तो नीतीश कुमार ने हर समय अपनी पार्टी को बचाया है, जब महागठबंधन से एनडीए की तरफ आ रहे थे उस समय भी ललन सिंह पर आरोप लगे थे, उस समय भी उन्होंने बड़ा बदलाव कर दिया, ललन सिंह को उस लिस्ट से गायब कर दिया था, मुझे याद है अच्छे से कि जनवरी का वो महीना था और उन्होंने लिस्ट जारी किया, उसमें हम लोगों ने ढूंढा ललन सिंह गायब थे। तो नीतीश कुमार ये कहना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ये कि नीतीश अच्छे और बहुत सीनियर लीडर जो कहते हैं उनसे बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए और बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं कि हाँ मुझे राजनीति अगर पकड़ मजबूत रखनी है तो नीतीश कुमार से सीखना बहुत ज़रूरी है। राजद के लोग भी कहते हैं, कांग्रेस के लोग भी ये कहते हैं, तो ये नीतीश कुमार वक्त रहते अपने पार्टी को बचा लिए, लेकिन बिहार में जो स्थिति है उसे बचाने की नीतीश कुमार की बेहद ज़रूरत है। जी उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी कैसे लग गई है? देखिए उपेंद्र कुशवाहा, अरे तो काराकाट में हारे वो, तो बीजेपी ने उनके लिए क्या किया, राज्यसभा भेज दिया, लेकिन वो छोटा रिचार्ज है सभा का, यहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखा हो गया है। लॉटरी तो लगी है, उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा पद मिल गया और बड़ा पद मिलने के बाद, लेकिन ये टेन्योर मात्र 1.5 साल का ही है,
अब 1.5 साल में उपेंद्र कुशवाहा का क्या करेंगे वो। उन्होंने एक लंबा फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार के विकास के लिए बहुत काम करूंगा, केंद्र में बिहार का आवाज बनूंगा, पिछड़ा दलितों की शोषितों की मैं समस्याओं को सुलझाऊंगा। लेकिन 1.5 साल है आपके पास मात्र, 1.5 साल के बाद क्या गारंटी कि एनडीए आपका टेन्योर बढ़ा ही देगी। नीतीश कुमार की भी नज़र है इस सीट पर, आपको भूलना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार तभी आपका डेट भी चेंज हुआ और नीतीश कुमार की पार्टी कुछ बोल ही नहीं रही थी, नाराजगी बढ़ गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में नाराजगी है। तो उन्होंने कहा कि चलिए छोटा पैक दे देते हैं नीतीश जी, क्योंकि गठबंधन में रहना भी है, नीतीश की बात को और काटेंगे, नीतीश धागा काटेंगे सरकार गिर जाएगी। तो इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा को फिलहाल के लिए सेट कर दिया गया ताकि कुशवाहा वोटर नाराज ना हो, कुशवाहा नाराज नहीं होंगे तो आने वाले विधानसभा में एक बड़ा फायदा हो। लेकिन एक छोटा रिचार्ज करा के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुशवाहा को धोखा देने का भी काम बीजेपी ने किया है। इसे अब अगर टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा तो बड़ी उपलब्धि हो जाएगी उनके लिए। अच्छा, गठबंधन टूटते-टूटते बच रहा है क्या रत्नेश? बिल्कुल, देखिए गठबंधन टूटते-टूटते इसलिए बच रहा है कि मैंने पूर्व में ही कहा कि जदयू के सांसदों पर निगाहें बीजेपी की है, ऑपरेशन लोटस की बातचीत कही जाए तो सब पे निगाहें हैं। बिल्कुल चिराग पर भी है, चिराग के सांसद भी गठबंधन के हिस्सेदार हैं, उनके भी सांसदों पर नजर है। बिहार का राजनीतिक माहौल तो चल ही रहा है, लेकिन झारखंड में क्या हुआ है आपको याद करना चाहिए। चंपई सोरेन जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन पे जो आरोप लगे उन आरोप पर वो जेल चले गए। चंपई सोरेन को दे दिया झारखंड की चाबी कि आप लीजिए, अब ताला रोज आप ही को खोलना है, आप ही को बंद करना है, जैसे आप कीजिए लेकिन 9 महीने आप सरकार संभाल लीजिए, 9 महीने के बाद हम आएंगे। तो फिर चंपई सोरेन से अब लोगों को लगता था कि चंपई सोरेन जो हैं उनका टेन्योर हो सकता है कि मतलब एक कहा जाता है ना कि एक जैसे पूर्व में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की जोड़ी थी, तो ये कहा जा रहा था कि वैसी ही स्थिति होगी, हेमंत सोरेन को पीछे से रखा जाएगा, चंपई सोरेन कुर्सी पे बैठे रहेंगे। लेकिन आते ही क्या किया गया, हेमंत सोरेन ने पद ले लिया, खुद चाबी ले लिया, लाइए भाई दीजिए हमारा वापस कीजिए चाबी, चंपई सोरेन वापस। तो चंपई सोरेन के जो चाहने वाले हैं वो काफ़ी नाराज हो गए कि हमारे जात के साथ बड़ा धोखा किया गया, वो चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री को और आगे बढ़ाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह उन्हें भी अपमानजनक लगा। तो उनका क्या है ना कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं चंपई सोरेन, हमने सुना है कि टाइगर का दर्जा उनको दिया गया है, चंपई सोरेन को एक टाइगर हैं, शेर हैं, और इस वजह से चंपई सोरेन के चाहने वालों में चंपई सोरेन के अलावा 6 सांसदों की लिस्ट मैंने पहले ही बताई थी दर्शकों को कि माफ़ कीजिएगा 6 विधायकों की लिस्ट मैंने बताई थी, और 6 के 6 विधायक आज देखिए एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कल भी शामिल हुए, कल चंपई सोरेन शामिल हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनका सपोर्ट कौन कर रहा है, शामिल हो जाएंगे, और उनका सपोर्ट कौन कर रहा है बिहार में, जीतन राम मांझी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी जब हटे थे, अरे हमारे साथ वही हुआ था जो हाँ उनके साथ हुआ है, तो उन्होंने भी नाराजगी अपने जताई और बीजेपी में स्वागत किया। चंपई सोरेन चंपई कलर के हो गए और बीजेपी के वही सरदार हो गए, तो वहाँ पर ऑपरेशन लोटस कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन को इससे बड़ा झटका लगा है, इंडिया गठबंधन का एक पूर्व का सीएम आज बीजेपी का हिस्सेदार हो गया, और इंडिया गठबंधन में न राहुल रोक पाए, न तेजस्वी रोक पाए, न ममता बनर्जी रोक पाए, न अखिलेश रोक पाए, कोई नहीं रोक पाया। बीजेपी ने बड़े शांति से अपना काम खत्म कर दिया, बड़े शांति से बीजेपी ने चंपई सोरेन को अपने पास बुला लिया, और झारखंड तो ये सिर्फ एक झांकी है, अभी तो काफी जगह बाकी है, पूरा राज्य बिहार जहाँ पर अलग अलग बिहार में बिहार के बाद अगर कहीं अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी चाहती है कि हमारी सरकार बने, तो वो तो अभी बाकी है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रतनेश। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, क्या कुछ बिहार में चल रहा है और झारखंड की राजनीति से बिहार में क्या असर पड़ने वाला है। फिलहाल आज जो होगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी, बने रहिए अपने चैनल के साथ। आपको रातों रात कैसा लगता है जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।